खोया प्यार वापस पाने की, सिर पर बाल उगाने की, हाइट बढ़ाने की, पतले से मोटा, मोटे से पतला करने की, ऐसी न जाने कितनी गारंटियां आपने सुनी होंगी और कितने टोटके आजमाए होंगे। लेकिन आज मामला थोड़ा सीरियस है। सवाल देश का है और देश की फीलिंग्स का है। भाई वर्ल्ड कप जो ठहरा, जीत की 100% गारंटी मिल जाए तो मामला सेट है। आपने भी देखा होगा कि मैच से कई लोगों की सुपरस्टिशंस जुड़ी होती है। अरे सुपरस्टिशन मतलब कि मैच के बीच उठा तो विकेट गिर जाएगा, मैच शुरू होने से पहले किसी ने टोक दिया तो टीम मुश्किल में आ सकती है। तो वर्ल्ड कप को लेकर आपकी क्या तैयारी है? मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलिया के सामने हम पहले भी फाइनल में आ चुके हैं। साल 2003 में भी बिल्कुल यही सीन था, हमारे शेर फाइनल में थे और ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं ने ऐसा माहौल टाइट किया कि हमारे हाथ से वर्ल्ड कप छूट गया। लेकिन इस बार हमने पूरी शिद्दत से इस कप को चाहा है और पूरी कायनात ने भी हमें इससे मिलाने की साजिश की है। तो क्या इस बार कोई गड़बड़ नहीं? लड़के अच्छा खेल रहे हैं और जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमों का दबदबा होता था, इस बार अपनी टीम ने भी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि एक बार को तो ऐसा लगा कि राखी के करण अर्जुन आ ही गए हैं। मतलब हमने इस वर्ल्ड कप में 9 मैच खेले और 9 के 9 जीते। अब बारी है द फाइनल कॉल की और जो जीता वही सिकंदर। हम चाहते हैं कि टीम इंडिया सिकंदर बने, आप भी यकीनन यही चाहते होंगे और अगर नहीं चाहते हैं तो जरा अपना आधार कार्ड दिखाइए। भाई टीम इंडिया को जिताने के लिए BCCI तो मेहनत कर ही रही होगी, लेकिन 2 टोटके ऐसे हैं जिसके लिए हमें आपकी हेल्प लगेगी। पहला टोटका है बिग बी। आप सोच रहे होंगे कि बिग बी कैसा टोटका है, लेकिन उनका टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से काफी तगड़ा कनेक्शन है और ये बात भी उन्होंने खुद ही बताई है। बिग बी ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के मैच के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब मैं मैच नहीं देखता तो हम जीत जाते हैं। बस फिर क्या था, कमेंट्स की लाइन लग गई। एक फैन ने लिखा, सर फाइनल मैच के दिन आप आंखों पे खीरे रख के बेसमेंट में सो जाना, जब पटाखों की आवाज आए तभी बाहर आइएगा। टीम इंडिया की जीत जरूरी है, उम्मीद है कि बिग बी संडे को टीम की मदद जरूर करेंगे। अब एक तरफ बिग बी ने मैच न देखकर टीम को जिताया तो दूसरी तरफ थलाइवा ने स्टेडियम में बैठकर टीम को चेयर किया और इसके साथ ही एक प्रेडिक्शन भी कर डाली। मैच देखने के बाद मुंबई से लौटते हुए रजनीकांत ने कहा, मैं 100% श्योर हूँ कि वर्ल्ड कप हमारा है। थलाइवा के इस कॉन्फिडेंस ने माहौल सेट कर दिया है। अब लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि बिग बी मैच ना देखें और रजनीकांत सीधे अहमदाबाद पहुंचकर मैच देखें और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप विनर बनाएं। आप भी जरा ख्याल रखिएगा।